तो फिलहाल हमको यहाँ पे एक ब्लॉगर भाई मिल गए जो कि हमारे साथ के ब्लॉगर हैं, जो कि अभी यहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे ना। तो हम बहुत खुश हैं कि यार हमारे उत्तराखंड में जो है, देखिए दोस्तों 111 शादियाँ हो रही हैं। तो अब हम क्या कहें आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा हमें। 111 शादी मतलब उत्तराखंड में हो गई आज। मैंने तो अपनी लाइफ में यार भैया, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी। आए भैया के यहाँ पे 99 वाले चश्मे देखने, और ये देखो नीरज भाई ने लगाया, हीरो लग रहा है भाई, सुपरमैन ऐसे करते एक बार। नितेश भाई ने फाइनली चश्मा ले लिया है, अब तो देख लो पसंद आ गया। बिल्कुल ना पसंद आ गया था, एक ही झटके में पसंद आ गया था, एक झटके पसंद आ गया। तो ये चेक करें आप, फिलहाल आपने आज तक देखी नहीं होगी, मेरे को यहाँ तक लग रहा है 111 शादी यहाँ पे कराई जा रही है एक साथ, वो भी 111 शादी। एक एक मारा पानी झूठन हो गई, जजमानो जल्दी करें क्योंकि भागवत जी का समय हो रहा है। चलिए श्री राधे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फिलहाल आज व्लॉग आपके भाई दूसरे लोकेशन से स्टार्ट कर रहा है। सो आज हमारे साथ है व्लॉग में नीरज भाई। तो अभी आए हम राजीव भाई की सिस्टर की मैरिज में, बाकी ये चेक कर सकते हैं आप, ये मैरिज वगैरह है। सो आप दिखाते हैं कि आगे क्या रहता है व्लॉग में। सो आप बने रहना वीडियो के साथ। तो अभी गाइस फिलहाल जस्ट पहुंच चुके हैं हम हल्द्वानी। सो ये चेक करें आप हल्द्वानी का व्यू भाई, ये चौराहा देखो भाई कितना लिटरली इतना प्यारा लग रहा है ना। सो चलते हैं फिर जिस ग्राउंड में शादी है उस ग्राउंड में ले चलते हैं आपको, और वहां जाके दिखाते हैं आपको आज। वैसे वहां बहुत 111 शादी होनी है। सो चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो फिलहाल हम प्रवेश कर चुके हैं जहां शादी वगैरह है ना, सो अभी वहां जा रहे हैं हम। सो चलते हैं, बाकी ये वंश भाई भी हमारे साथ है। और नीरज भाई क्या हाल है? बढ़िया नीरज भाई अपने, बाकी चलते हैं फिर दिखाते क्या रहता आएगा। तो भी आज हेलो, तो कैसे? तो ये है देखो वो लोकेशन जहां हम आए हैं अभी। फिलहाल यहां है शादी, अपने ब्रो के सिस्टर की शादी है। बाकी फिलहाल ये देखो, ये है लोकेशन भाई साहब। मजा आ रहा नीरज भाई? मजा आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा। और क्या कहना चाहते हो? हालत डाउन हो गई बस आते आते। बाकी गाइस देखो ये है लोकेशन जहाँ शादी वगैरह होती है ना एक साथ, मतलब काफी शादी होती है यहाँ, कम से कम 100-150 शादी यहाँ एक साथ कराई जाती है। बाकी देखो ये है लोकेशन, फुल लोकेशन ये देख सकते हैं आप, ये देखो। और अपने भाई लोग यहाँ पे खड़े हैं। नीरज भाई कैसा लग रहा है आगे? अच्छा लग रहा है यार, एंजॉय। और यहाँ पे चल रही रामायण अभी, ये सुनिए आप, सुनिए चेक करें भाई साहब। इतनी सारी शादियाँ मतलब लिटरली एक साथ कराई जाती है। और ये है देखो मंडप वगैरह लगे पड़े हैं भाई, ये देखो। और यहाँ से लोग देखते होंगे और इधर से मतलब चलता रहता होगा अपना मंडप जो भी है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भाई लोगों के साथ नाश्ता करने। चले फिर लौटो, चलो भूख भी लग गई क्या? चलो तो चलते फिर, ठीक है? चलो। और बताइए नीरज भाई, मजा आ रहा फिर है? बढ़िया मजा आ रहा, फुल यहाँ पे बड़ी फुल एंजॉय दैट, मजा आ रहा मतलब क्या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पे मतलब जो व्यवस्था की गई है, हाँ, पब्लिक भी काफी भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ पे की व्यवस्था है और वो भी अच्छा है मतलब ना। यहाँ पे एक सीन ये भी है कि देखो ये चेक करो, इतने सारे मंडप लगे पड़े हैं और यहाँ पे बॉक्स वगैरह लगा रखे, मतलब हर एक मंडप के सामने एक एक बॉक्स लगा है। एक्चुअली मेरे को लग रहा है पंडित वहाँ बैठेगा और सब लोग सुनेंगे ना, यही होगा ना? हाँ यही होगा फिर। हाँ तो यहाँ हमारे खाने की व्यवस्था है, ये चेक करें। तो ये है देखो यहाँ पे खाने की व्यवस्था। तो देखो इतनी लंबी यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही, फिलहाल अभी ये लाइन लगी पड़ी है। और बाकी फिलहाल ये देखो ये है व्यवस्था खाने की। अपनी अपना सफर खत्म हुआ और ये देखो ये बट रहा है यहाँ पे मामला। तो अभी गाइस फिलहाल वंश भाई और मैं जा रहे हैं थोड़ा आगे तक। एक्चुअली आगे का हम जरा स्टेज वगैरह देख के आ रहे हैं कि क्या है आगे का सीन, तो ये चेक करें आप, फिलहाल ये सीन है। सो चलते फिर दिखाते हैं आपको। फिलहाल हमारे साथ एक पोपट हो गया, हम जा रहे थे, पंडित लोग कह रहे जूता अंदर नहीं लाते हैं यार, तो जूते भी पहन के आए थे ना। तो अब चलते हैं बाहर को, चलते हैं। मंडप कुछ ऐसे बनाए गए यहाँ पे, ये देखो ये मंडप बाकी ऐसे मंडप है, ये देखो। तो हमें यहाँ पे एक और ब्लॉगर मिल गया, ये चेक करें भाई, ब्लॉग बनाते हुए जा रहा है अगला बंदा, ये देखो। और चप्पल में जा रहा, अभी खाता डांट, देखो अभी खाएगा डांट आगे। और मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे ना 111 शादी हो रही है, 111 लिटरली 111 शादी कराई जा रही है ना मंसूर भाई। हाँ 111 शादी हो रही है मतलब यहाँ पे, ठीक है? ये देख लो आप लोग, 111 कन्यादान श्रीमद भगवत कथा दान केंद्र, ये है भाई, ये है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे एक ब्लॉगर भाई मिल गए जो कि हमारे साथ के ब्लॉगर हैं, जो कि अभी यहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे ना। सो अभी हमने इनको देख लिया यहाँ पे, ये भैया भी यहाँ पे ब्लॉग बनाने आए हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया? अरे बिल्कुल, हमारे को भी सपोर्ट करो, हमारे भाई को भी सपोर्ट करो, हम यही वो करते हैं आज। तो हम बहुत खुश हैं कि यार हमारे उत्तराखंड में जो है, देखिए दोस्तों 111 शादियाँ हो रही हैं। तो अब हम क्या कहें आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा हमें। 111 शादी मतलब उत्तराखंड में हो गई आज। मैंने तो अपनी लाइफ में यार भैया, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं भी, वही तो। सो ये भैया के साथ मुलाकात होगी, 111 शादी लिटरली मतलब 111 शादी यार, देखो बड़ी बात हुई काफी यार, बहुत बड़ी बात हुई भैया, बहुत बड़ी बात हुई है। तो ये है भैया, बाकी इनका चैनल हम देख रहे हैं अभी और ये हमारे चैनल देख रहे हैं, ठीक है?
ठीक है गाइस फिलहाल जस्ट अभी अंदर थे, बाकी फिलहाल यार अंदर ना अभी काफी टाइम मेरे को लग रहा है, अभी शादी वगैरह होने में लगेगा ना काफी टाइम लगेगा। अरे भाई आराम से। तो इस चक्कर से अभी नीरज भाई और मैं जा रहे हैं हल्द्वानी घूमने, तो चलते फिर। बाकी हमें यहाँ पे अपना भाई टाइप का मिल गया, मतलब ब्लॉगर टाइप का जो अपने साथ का ब्लॉगर था। बाकी भाई चले मस्त साथ कर रहा था, अगर वो बंदा भी हमारा ब्लॉग देख रहा है ना भाई, मजा आ गया तुम्हारे साथ यार, मतलब ना मजा आ गया। सो फिलहाल नीरज भाई और मैं जा रहे हैं हल्द्वानी घूमने, तो चलते हैं फिर। शायद आज विराट कोहली भी आ रहा है शायद यहाँ हल्द्वानी में, भाई कह रहा था कि आज विराट कोहली आ रहा है, तो देखते हैं कि अगर मिलता है तो ठीक है, वरना तो विराट कोहली मिल जाए। हाँ देखते हैं, वैसे हम बिग फैन है विराट कोहली के, बिग वाले फैन है, मतलब बहुत बड़े वाले, ठीक है। जितने बड़े हम सौरभ जोशी के नहीं है भाई, इतने बड़े हम विराट कोहली के फैन है, सही बता रहा हूँ। सही बता रहे हैं क्या? बिल्कुल। बाकी फिलहाल यहाँ पे नीरज भाई और मैं घूम रहे हैं, बाकी अपने थोड़े बहुत मित्र जुगाड़ थे वो अंदर घूम रहे हैं, हम दोनों घूम रहे हैं, हम घूमते हैं। चलो तो फिलहाल अभी नीरज भाई और मैं घूम रहे हैं मस्त पार्क में, तो चलते हैं बाकी इधर रील वील बनाते हैं। और क्या करना है, कहाँ है? हाँ ये तो है। अभी गए फिलहाल जस्ट घूम के हम भी आ गए अंदर, सो आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पे हम 111 शादी जो चल रही है दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चेक करें आप, फिलहाल आपने आज तक देखी नहीं होगी, मेरे को यहाँ तक लग रहा है 111 शादी यहाँ पे कराई जा रही है एक साथ, वो भी 111 शादी उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है ऐसा। ये देखो भाई सब 111 शादी लिटरली यहाँ पे हो रही है। तो ये चेक करें दूल्हा दुल्हन की यहाँ पे लाइन लगी पड़ी, ये लाइन चेक करें आप। तो गाइस यार हमने आप लोगों को दूल्हे वगैरह तो दिखा दिए, बट वहाँ पे दुल्हन वगैरह दिखाने का टाइम नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे इतनी ज्यादा तगड़ी भीड़ हो रही है ना, और वहाँ पे सबसे तगड़ा नियम तो ये है कि यहाँ पे जूते पहन के जा सकते हैं हम। हाँ वंश भाई, अरे वंश भाई आ गए घूम घाम के, तो अभी हमारा प्लान बन रहा है कि इसमें जाए। कहाँ पीछे? कहाँ गौरव भाई? गौरव भाई क्या है भैया? अपने गौरव भाई है भैया, इसमें बैठ सकते हम हैं। अरे हम कौन से बड़े होते हैं यार, थोड़ा बैठ के थोड़ा घूम लेते, रील बना रहे बस उस वाले में। चलो ठीक है भैया, फिर हम आए हैं भैया के यहाँ पे 99 वाले चश्मे देखने। और ये देखो नीरज भाई ने लगाया, हीरो लग रहा है भाई, सुपरमैन ऐसे करते एक बार। बाकी फिलहाल मैंने एक मास्क लिया है अभी ये देखो मास्क। तो नितेश भाई ने फाइनली चश्मा ले लिया है अब, तो देख लो पसंद आ गया। बिल्कुल ना पसंद आ गया था, एक ही झटके में पसंद आ गया था, पसंद आ गया। पार्क में और दिखाते हैं कि पार्क का क्या सीन रहता है, चलते हैं फिर बने ना वीडियो के साथ। अभी गए फिलहाल जस्ट घूम रहे थे, और अभी हम भैया के यहाँ पे मोमो खाने के लिए, सो फिलहाल मोमो वगैरह खाते हैं और फिर चलते हैं शादी ग्राउंड में, ये लौंडे वगैरह आ रखे हैं, फिर चलते हैं, ठीक है। पहले खाते हैं और फिर चलते हैं। फिलहाल जस्ट अभी अपने मोमो वगैरह आ गए, सो ये चेक करें आप। तो खाते बैठे भाई लोगों, तो खाते हैं और फिर चलते हैं। खड़े होके सूर्य भगवान को देख लीजिए, ध्रुव तारे का दर्शन करिए। चलिए हो गया ना, अब यहीं पर जयमाल बोलिए, जयमाल। नहीं नहीं पहन रखिए, जयमाल। चलिए दोनों एक एक माला पहने, जूठन हो गई। जजमानो जल्दी करें क्योंकि भागवत जी का समय हो रहा है। चलिए श्री राधे, पर वधु माला पकड़ लीजिए, उनको माला दे दीजिए। जो भी हमारे आचार्य यहाँ पर हुए हैं कार्यकर्ता लोग, एक माला कन्या को, एक माला वधु को, एक वरजी को दे दीजिए, एक दूसरे को माला पहना दीजिए। और सभी लोगों को फिर उसके बाद आशीर्वाद दे दीजिए और यहीं पर संकल्प कर लीजिए। चलिए हाँ, बोल सियावर रामचंद्र की, राधा कृष्ण भगवान की। यह जो सांपों की विधि से आप सब लोगों का विवाह संपन्न हुआ, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। कन्या पक्ष को आपको कन्यादान की बधाई, वर पक्ष को आपको वधु प्राप्त हुई, पाणी ग्रह संस्कार की आपको बधाई, हरि शरण जपन हुआ, सभी को बधाई। सब लोग बैठ करके जरा आचमन कर लीजिए, जो देवता आपने बुलाए हो उनका विसर्जन, उनको उनका उत्तरांग पूजन। फिलहाल शादी वगैरह हो गई है, तो ये चेक करें, एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, बाकी उधर माला काफी जयमाल कार्यक्रम करा के बैठ करके आचमन कर लीजिए और विसर्जन कर लीजिए। कहिए गच्छ गच्छ सर्वश्रेष्ठ
पस्ताने परमेश्वर यत्र ब्रह्मा देव देवस तत्र गच्छ हुतासन एक चम्मच जल छोड़िए कृतस्य यज्ञस्य सांगो बांग बल प्रावृतम आचार्य उपाचार्याणां कृते इमां भूषम दक्षिणां दासे ओम तत्सत् नमः। सभी को मंत्रार्थ बाकी लोगों से खाली हो जाए और बाकी लोग उनको दहेज का उपहार का सम्मान रखना है वो सम्मान वहाँ पर धन की व्यवस्था की गई है धन की व्यवस्था बना दी चलिए आप लोग बढ़िए सीधे हाथ को बढ़ते जाइए रास्ता दीजिए सीधे हाथ को लाइन पे लाइन तीन लाइन बनी हुई है। गाइस फिलहाल विवाह वगैरह संपन्न हो गया है सब जा रहे हैं फिर चले फिर रेश भाई हाँ चलो तो चलते हैं फिर। तो अभी गाइस फिलहाल हम जस्ट गाड़ी की पार्किंग ढूंढ रहे हैं एक्चुअली मतलब पार्किंग क्या जहाँ गाड़ी पार्क में लगाई थी ना सो ढूंढ रहे हो पता नहीं कहाँ गायब टाइप की हो गई मिल गई नीरज भाई को कोने में खड़ी मिल गई गाड़ी चले फिर चाबी लाओ राजीव चले यार चाबी लाओ चले लो वो राजीव संध्या फोन कर ले मम्मी मम्मी कहाँ है तो फिलहाल अभी हमें ये ड्राइवर साहब मिल गए चले फिर चलो चलो नीरज भाई बता दो जरा इंट्रोडक्शन कौन है हम कैसे कौन है हम ब्लॉगर साहब हैं नहीं वो सो रहे होंगे ना वीडियो बन रही है मतलब ब्लॉग घुसो 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 बेटा मैं पलटी आ गया पहले बता रहा हूँ कोई बात नहीं पलटी अपना आप आ गया तुम घुसो तो सही आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना जान ले लूंगा चलते हैं फिर नीरज भाई गाड़ी स्टार्ट करो चलते हैं फिर। तो अभी गाइस फिलहाल जस्ट अभी घर पहुंचे गए सो यार आज के इस ब्लॉग पे एंड करते हैं आई होप आप लोगों ने आज के इस ब्लॉग में एंजॉय किया होगा तो एक प्यार सा लाइक और एक प्यार सब्सक्राइब जरूर कर दे अपने भाई को जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बाय।